नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग लोकसभा से जुड़े हुए दिलचस्प मुद्दों की बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि जो कश्मीर रीजन है, कश्मीर रीजन के तीनों लोकसभा सीटों पर आखिर बीजेपी चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है, क्यों चुनाव लड़ने से भाग रही है, बीजेपी की परिस्थितियां कश्मीर में तो अनुकूल ही बताई जा रही थी। धारा 370 को हटा दिया गया, कश्मीरी पंडितों के वापसी की बात के लिए जो कदम उठाए गए थे वो भी सराहनीय थे, लेकिन आखिर में वो कौन सी परिस्थितियां हैं कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीर घाटी में चुनाव नहीं लड़ पा रही है। लेकिन वहां पर जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जाते हैं तो भाषण देते हैं कि जो राष्ट्रवादी पार्टियां हैं उनके लिए ही आप लोग मतदान करिए, तो ये भी जान लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की नजर में राष्ट्रवादी पार्टी कौन है। क्या भारतीय जनता पार्टी अब राष्ट्रवादी पार्टी नहीं रह गई है? अगर रह गई है तो क्या इससे भी बड़ी कोई राष्ट्रवादी पार्टी है? आइए इन तमाम मुद्दों पर हम बात कर लेते हैं। आखिर क्यों बीजेपी जम्मू कश्मीर की तीनों सीटों पर चुनाव लड़ने से भाग रही है? जम्मू कश्मीर की लोकसभा सीटों के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि जम्मू कश्मीर में सक्रिय राजनीतिक पार्टियां कौन कौन सी। खबर है कि धारा 370 हटने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी कश्मीर संभाग की तीनों सीटें श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग राजौरी सीट से चुनाव नहीं लड़ रही है। क्यों नहीं चुनाव लड़ रही है इसकी वजह को जानते हैं। श्रीनगर में चुनाव नहीं लड़ रही है बीजेपी, बारामूला में चुनाव नहीं लड़ रही है, अनंतनाग राजौरी सीट में भी चुनाव नहीं लड़ रही है। जानते हैं जम्मू कश्मीर का राजनीतिक परिदृश्य क्या है। 2024 में जम्मू कश्मीर लोकसभा चुनाव सबसे अजीब होने जा रहा है, क्योंकि लद्दाख को इससे अलग कर दिया गया। लद्दाख जब एक में था तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें थी, लद्दाख को भी एक अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है, तो 1 सीट लद्दाख के खाते में गई है और बाकी 5 सीटें जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के खाते में है। कौन कौन सी सीटें हैं? उधमपुर लोकसभा सीट, जम्मू लोकसभा सीट, श्रीनगर लोकसभा सीट, बारामूला लोकसभा सीट और अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट। इसमें से जो भारतीय जनता पार्टी है वो श्रीनगर लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ रही है, बारामूला लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ रही है और अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ रही है। वहां की परिस्थितियां क्या है? क्या वहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है अगर चुनाव लड़ती, या कोई प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा है? बहरहाल जम्मू कश्मीर में तो बीजेपी के राज्य स्तर के नेता तो होंगे ही, उनका क्या कहना है ये भी हम लोग जानते हैं। श्रीनगर, अनंतनाग राजौरी और बारामूला में बीजेपी चुनाव नहीं लड़ पा रही है, इसकी खबर आप लोग तो देखे ही नहीं होंगे कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी कार्यकर्ता होने वाली पार्टी का दावा करती है। आखिर अपने ही देश के जम्मू कश्मीर में जो इनका चुनावी एजेंडा है, जम्मू कश्मीर में 370 धारा को हटाना, वहां से कश्मीरी पंडितों का पुनः घर वापसी करना, ये इनका मुद्दा रहा है। लेकिन क्या इन मुद्दों के बावजूद भी क्या जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी टिक नहीं पा रही है, अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा की? यहाँ पर पांचों लोकसभा सीटों पर पांच विभिन्न चरणों में जो मतदान होंगे वहां पर उन चरणों में यहां मतदान होंगे। कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का। भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिम भागों में स्थित है और कश्मीर के बड़े क्षेत्र का हिस्सा है। 1947 से भारत पाकिस्तान और चीन के बीच विवाद का विषय रहा है। जब से भारत हमारा आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 तब से ही जम्मू कश्मीर जो है चीन, पाकिस्तान और भारत के बीच में एक विवाद का मुद्दा रहा है। नियंत्रण रेखा जम्मू और कश्मीर को पश्चिम और उत्तर में पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगित बलिचिस्तान के पाकिस्तान प्रशासित क्षेत्रों से अलग करती है। यह भारतीय राज्यों हिमाचल प्रदेश, पंजाब उत्तर में और भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पश्चिम में स्थित है। ये रही इसकी राजनीतिक अवस्थिति। आगे जान लेते हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पुनर्गठन के प्रावधान जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत निहित थे। जम्मू कश्मीर का जो केंद्र शासित है उसका जो प्रावधान हुआ वो 2019 में जो अधिनियम आया था केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को एक केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया था, जिसे अगस्त 2019 में भारत की संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था। भारत के संसद के दोनों सदन से तात्पर्य समझते हैं लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा कभी भंग न होने वाली सभा है,
तो उसके द्वारा अगस्त 2019 में इस प्रस्ताव को हमारे संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित कर दिया गया था। विधेयक का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में पुनः गठित करना था। जम्मू और कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया और लद्दाख, जम्मू और कश्मीर में 5 लोकसभा की सीटें हैं और लद्दाख में 1 लोकसभा की सीट है। आइए बात कर लेते हैं आगे के बारे में, जान जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश है, इसका गठन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ। इस जम्मू कश्मीर की दो राजधानी है, एक ग्रीष्मकालीन राजधानी और एक शीतकालीन राजधानी। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है, मई से अक्टूबर महीने तक जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर रहती है और वहीं नवंबर से अप्रैल के बीच जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू रहती है। जिला 20 है, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है, विधायिका एक सदनीय है, 114 सीटें हैं। संसदीय क्षेत्र में लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 4 सीटें हैं। उच्च न्यायालय जम्मू और कश्मीर लद्दाख उच्च न्यायालय एक में ही है। क्षेत्रफल 42,241 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 1,22,67,013 है। आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी है, कश्मीरी है, डोंगरी है, उर्दू है, हिंदी है और अंग्रेजी है। ये रहा जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब बना, अक्टूबर 2019 में। राजधानी जम्मू कश्मीर की दो है, श्रीनगर और जम्मू। श्रीनगर मई से अक्टूबर तक राजधानी रहती है और जो जम्मू रहती है वो नवंबर से अप्रैल तक राजधानी रहती है। यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं है, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं, विधायिका एक सदनीय है, 114 विधानसभा की सीटें हैं, लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 4 सीटें हैं। उच्च न्यायालय जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एक ही उच्च न्यायालय है, एक ही सीमा क्षेत्र में आते हैं। क्षेत्रफल 42,241 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 1,22,67,013 है। आखिर जम्मू कश्मीर में बीजेपी किसका समर्थन कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आते हैं 16 अप्रैल को जम्मू में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि हमें उन वंशवादी पार्टियों को हराने के लिए मिलकर लड़ना होगा जिन्होंने कश्मीर को आग में ढकेल दिया। कश्मीर को आग में ढकेल दिया, लेकिन आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं, अब किसके साथ मिलकर आप वहां चुनाव लड़ रहे हैं, इसका जिक्र उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अतीत में कई दशकों जम्मू कश्मीर पर शासन किया है और घाटी में मौत और विनाश लाए हैं। वे कांग्रेसी एनसी और पीडीपी कश्मीरियों के दुश्मन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस है, एनसीपी है और पीडीपी आपको बता दें कि वही पार्टी है जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन कर वहां में जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई थी। कुछ दिनों बाद सरकार न चलने की स्थिति में पीडीपी से इन्होंने अपना नाता तोड़ लिया, तब से अलग है। अब उनकी नजर में उस समय भारतीय जनता पार्टी की नजर में पीडीपी उस समय राष्ट्रवादी पार्टी थी, लेकिन आज 2024 का जब लोकसभा का चुनाव हो रहा है 18वीं लोकसभा के लिए, तो अमित शाह कहते हैं कि ये लोग वंशवादी पार्टियों पार्टी हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर को आग में ढकेले हैं बरसों से। आप ऐसा करिए कि ये राष्ट्रवादी पार्टियां नहीं है, आप इनके खिलाफ मतदान करिए। वे जम्मू कश्मीर को हिंसा के पुराने दिनों में वापस में धकेलने के लिए आपस में कुछ कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं राजनीतिक दलों की सूची। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से राजनीतिक दल हैं, जम्मू और कश्मीर राष्ट्रीय सम्मेलन है, भारतीय जनता पार्टी है, जम्मू रिपब्लिकन पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जम्मू और कश्मीर वर्कर्स पार्टी, जम्मू और कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, जम्मू और कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट, जम्मू और कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, एकजुट जम्मू, आल जम्मू एंड कश्मीर पेट्रियाटिक पीपुल्स, जमात ए इस्लामी कश्मीर और प्रजा परिषद जम्मू और कश्मीर और लोकतांत्रिक जनता दल जम्मू और कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम। इतनी पार्टियां जम्मू कश्मीर में सक्रिय पार्टियां हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, सत्तारूढ़ दल की जो सरकार है उसमें बीजेपी एनडीए की प्रमुख घटक पार्टी है। जम्मू कश्मीर संभाग की 3 सीटों पर यह चुनाव नहीं लड़ रही है, अपने उम्मीदवार को नहीं खड़ा कर पा रही है। कारण अनेकों बताए जा रहे हैं, उन कारणों पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन आखिर इस विषय को टटोलेंगे कि आखिर वो क्या कारण रहे धारा 370 हटने के बाद भी और कश्मीरी पंडितों की पुनर्वापसी के बाद भी। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने लायक दशा नहीं देख रही है चुनाव में कि हम जम्मू कश्मीर की जो 3 सीटें हैं लोकसभा की वहां से हम चुनाव अगर लड़ेंगे तो क्या हमारे पक्ष में नहीं होगा, या
बीजेपी यह देखना चाहती है या यह चाहती है कि मैं जहां चुनाव लड़ूं वहां लड़ जाऊं, जीत जाऊं, और जहां हारने की हमारी संभावना है वहां चुनाव भी न लड़ूं। स्थितियां क्या होंगी, यह चूंकि चर्चा का विषय था और लोकसभा से जुड़ी हुई कक्षाओं को लेकर हम लोग आ रहे हैं, वीडियोस को लेकर आ रहे हैं, तो इसलिए यह प्रमुखता से इस विषय को उठाया जा रहा था मीडिया में, न्यूज़पेपर में, तो इस पर एक वीडियो बना ली गई है। ये जितनी खबरें होती हैं वो कहीं ना कहीं से ली गई होती है, पेपर से ली जाती है, PIB चैनल से ली जाती है, या ANI से ली जाती है, हिंदू का एडिटोरियल आता है उससे लिया जाता है। आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।